वाराणसी के 80 घाट स्थित काशी शिमुरु पीठ आश्रम में शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विराट संत सम्मेलन में वाराणसी के अलग अलग मठों के संत और प्रमुख शामिल हुए। इस मौके पर संत समाज की बैठक भी हुई। बैठक में शंकराचार्य की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विभिन्न संतों ने समाज में शंकराचार्य के विचारों को भी व्यक्त किया। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने इस मौके पर कहा कि हम सभी अपने महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और इस प्रकार के आयोजन उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानंद सरस्वती के स्मृति में धर्मसभा और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग सैकड़ों की संख्या में संत समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और महापुरुषों के स्मरण से हमें नई चेतना मिलती है। स्वामी जी को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वह 3 बजे गंगा जी में जाकर स्नान कर लेते थे। सनातन धर्म के विकास के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा भी निकाली थी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 14 विद्वानों के वो परम विद्वान थे। सभा में आए हुए सभी साधु संतों ने सनातन धर्म को लेकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि हमें सनातन धर्म को एक साथ चलाना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने स्वामी जी के बताए हुए रास्ते और उनके कहे हुए बातों को याद करते हुए उनकी स्मृतियां लोगों के बीच में साझा की। इसके अलावा राम नाम के कीर्तन का साधु संतों के द्वारा आयोजन भी किया गया। आश्रम में आए हुए सभी साधु संतों के लिए भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था। आज काशी सुमेर पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य जो 64वें नंबर के थे, जिनकी 32वीं निर्माण दिवस है, आज ही के दिन उन्होंने पंच भौतिक शरीर का अपना ब्राह्मी चेतना में समाहित कर इस लोक से अपनी लीलाओं को अंत किया था। उन्हीं के स्मृति में ये धर्मसभा भंडारा आहूत किया गया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।